हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वेंस। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से पहले वाली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारे पूरे चैप्टर का थर्ड पार्ट है, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से लिखी जाती हैं। अब केमिकल रिएक्शन जब कैरी आउट होती है तो उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स भी होते हैं। इन्हीं मैकेनिज्म्स के बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शंस को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड दोज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इस वीडियो में हम इन पांचों टाइप्स की रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि इनका बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आप बिल्कुल भी इन्हें ना भूलें। Let's begin with the video. First one, the first type of reaction, which is the combination reaction. जैसा कि इसका नाम बता रहे हैं, combination, it means two or more elements or compounds or one element or one compound are getting interacted with each other and they are forming a product. Product जो होगा हमारा वो कैसा होगा कि उसमें हमारे दोनों reactants का participation होगा, कोई भी चीज eliminate out नहीं हो रही है reaction में से। रिएक्शन इट इज काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन, जैसे आपने 2 + 4 किया एंड इट इज फॉर्मिंग 6, नथिंग इज एलिमिनेटेड आउट इन दिस रिएक्शन। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने इससे पहले जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखा है कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गेट कंबाइंड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो गए, है ना। हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन देखा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग इज एलिमिनेटिंग आउट इन दिस रिएक्शन। तो हर वो रिएक्शन जिसमें कुछ एलिमिनेशन ना हो, सिर्फ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स या एडिशन ऑफ कंपाउंड्स हो रहा हो, वहां बोलते हैं कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका हमने एक एग्जाम्पल है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल is getting combining is combining with one molecule of chlorine and it is forming two molecules of HCl. Actually मैंने यहाँ पे HCl लिखा है, 2HCl लेने का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं चाह रही थी आप लोगों को बताना कि हमने बैलेंसिंग वाली जो चैप्टर है, हमने से लास्ट वाली जो वीडियो है, उसमें हमने देखा कि हमने कहा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन है। अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँगी, मुझे नंबर काउंट कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में दो दो हैं बट प्रोडक्ट साइड में ओनली वन इज देयर, तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 2HCl अगर कर दूं तो यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ HNCl है, यहाँ पे भी 2 एटम्स ऑफ HNCl हो जाएंगे, है ना। तो हमने एक इक्वेशन बैलेंस कर ली। अब आप इस इक्वेशन का फिनोमिनल या मैकेनिज्म अगर देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर कंबाइनिंग, दे आर गेटिंग एडेड, दे आर फॉर्मिंग HCl। देखो प्लस में ना और कुछ लिखा है क्या प्रोडक्ट में, नहीं, कोई नई चीज नहीं बन रही है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरीके की कोई रिएक्शन आती है तो आप बोल सकते हो कि दिस इज अ एडिशन रिएक्शन, है ना। इसके अलावा हमने आसपास बहुत सारी रिएक्शंस, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज में भी बताई हैं, तो उनमें बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म से या कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप उनको कह सकते हो, ठीक है। सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नाम में ही इसका मतलब है, डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज होना मतलब किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, तो दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एडिशन हो रहा था, इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ब्रेकेज होगा, कोई चीज जो है वो टूट रही है, डीकम्पोज हो रही है ना। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, विच इज आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, आप इसे कह सकते हो FeSO4। एक्चुअली क्या है, FeSO4 भी नहीं है, सेकेंड स्टेप है। FeSO4.7H2O इसी सल्फेट का अगर हम हाइड्रेटेड फॉर्म लेते हैं तो सबसे पहले हम उसे हीट करेंगे तो उसमें जितने 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो पहले एलिमिनेट आउट होता है, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जो होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का होता है, अगर आपने अपने कभी लैब में देखा होगा तो ग्रीनिश कलर के क्रिस्टल्स होते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के। जब आप उसे हीट करते हो तो वो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एलिमिनेट आउट हो जाते हैं, वो उसमें से इवेपोरेट हो जाते हैं और आपके पास सिर्फ फेरस सल्फेट बचता है जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसको जब आप और हीट अप करते हो और आप इसको ब्रेक डाउन करते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ना या तो हीट के प्रेजेंस में हो सकती हैं, तो आप उन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे,
अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रही है तो हम उसे इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं। हमने एट स्टैंडर्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने इलेक्ट्रोड एंड कैथोड लिया है और आपने उसमें कोई सोल्यूशन डाला है और आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में जो आयन्स होते हैं दे टेंड्स टू ब्रेक डाउन, है ना। NaCl होता है वो ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, H2O ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में भी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी हो सकती है। ये रिएक्शन हमारी हीट के प्रेजेंस में हो रही है इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि FeSO4 इज गेटिंग डीकम्पोज, ब्रेकेज हो रहा है, ब्रेक होके क्या बना रहा है Fe2O3 SO2 एंड SO3, मतलब फेरस सल्फेट था ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। डाइऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ रहे हैं। ट्राइऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ रहे हैं, है ना। एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड, फेरस का यहाँ पे जो FeS का ऑक्सीडेशन है सेम यहाँ पे टू है इसलिए फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन को आप कैसे समझ सकते हो कि ये जो कलर है ये कलरलेस था, है ना, और जो Fe2O3 बना है वो आपका क्या बन गया है, वो ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। तो आपने एक चेंज इन कलर देखा, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनमें आपको चेंज इन कलर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सिमिलरली FeSO4.7H2O वॉज ग्रीनिश इन कलर, FeSO4 is colorless and after getting decomposed in the presence of heat, ये क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये देखा हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझाने के लिए हम आपको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, आप और आपके एक फ्रेंड हैं, वो क्लासमेट्स हैं, बहुत अच्छी ज्यादा की बॉन्डिंग नहीं है, नॉर्मल बॉन्डिंग है। बीच में आप दोनों बातें करो, किसी ऐसे स्कूल फंक्शन चल रहा है, कुछ चल रहा है, आराम से एक दूसरे से बातें करो। बट अगर कहीं से आपका बेस्ट फ्रेंड उठ के आ जाएगा और वो आपसे बात करने लगेगा तो डेफिनेटली आप जो आपका क्लासमेट है उससे थोड़ी सा कम बात करोगे और आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने लग जाओगे, है ना। क्योंकि आपको और आपके फ्रेंड का जो बॉन्ड है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना अच्छा बॉन्ड आपका और आपके बेस्ट फ्रेंड का है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, अच्छी बात कर रहे हो और आपको कोई क्लासमेट आएगा आपसे बात करने के लिए, आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है और वो कोई आएगा आपसे बात करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको रुकने को बोलोगे कि नहीं अभी मेरी बात खत्म हो जाए पहले, इसके बाद मैं तुमसे इंटरेक्शन करूंगा। हम उसको ज्यादा भाव नहीं देते, करते हैं ना हम ऐसा। तो मैंने क्या बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि मॉलिक्यूल्स वही करते हैं जो हम करते हैं। तो यहाँ भी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट्स आपस में जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, उनकी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। लेकिन अगर मान लो एक थर्ड एलिमेंट उठ के आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं मेरी बॉन्डिंग तुमसे ज़्यादा अच्छी है, बजाय इसके मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो अपना इससे बॉन्ड ब्रेक करके उससे अपना एक नया बॉन्ड बना लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होगा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किसकी रिएक्टिविटी कम है। कुछ रिएक्शन जो होती है वो कैरी आउट नहीं हो पाती क्योंकि जो थर्ड एलिमेंट आ रहा है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं, आपका और आपके बेस्ट फ्रेंड के बॉन्ड इतना अच्छा है कि थर्ड आ रहा है वो आपको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, वो आपकी दोस्ती तोड़ के और आपसे दोस्ती नहीं कर पा रहा, तो वो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, वो रिएक्शन कैरी आउट होगी नहीं। लेकिन अगर आपका बॉन्ड थोड़ा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आएगा आप ये बॉन्ड तोड़ दोगे और उससे बॉन्डिंग कर लोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से अगर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो उससे जाके कंबाइन हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी रिएक्टिविटी कम है तो वो कंबाइन नहीं हो पाएगा, वो रिएक्शन नहीं बनेगी। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास है कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया लेड। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो आप देखोगे कि लेड की रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा होती है, ठीक है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर क्लोराइड और लेड अगर कॉम्बिनेशन, कॉपर और क्लोराइड आपस में इनकी दोस्ती अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही लेड आया तो कॉपर को अलग कर दिया और क्लोरीन जो है वो लेड से कंबाइन हो गया, इसने BbCl2 बना लिया और कॉपर बेचारा अलग हो गया क्योंकि इनका बॉन्ड कम था। अब मान लो कि रिएक्शन उल्टी होती, यहाँ पे होता PbCl2 और यहाँ होता Cu,
लेकिन CU की रिएक्टिविटी कम है, PB की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो PB और Cl2 का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता और रिएक्शन हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। तो आपको जो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें बीच में हाइड्रोजन होता है, ऊपर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नीचे थोड़े लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी रिएक्शन डिटरमाइन कर पाओगे कि एक्चुअली में फिजिबल रिएक्शन है या नहीं है, ये कैरी आउट होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और अगर आप इसे बढ़ा दो, यहाँ पे क्या था, एक कंपाउंड एक एलिमेंट था, बट अगर यहाँ एक कंपाउंड एक और कंपाउंड ही हो तब हम बोलते हैं कि दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl दोनों के सॉल्यूशंस लिए आपने, दोनों को मिक्स किया, तो क्या होगा, जो ये सिल्वर है ये क्लोरीन से जाके कंबाइन हो जाएगा और ये जो Na है ये NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, NaNO3 बनाएगा दैट इज सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड AgCl बना देगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये लिक्विड स्टेट में, जैसे ही आपने दोनों को डिसॉल्व किया तो ये जो है अपने अपने आयंस में ब्रेक हो गए, ये सब आयनिक बॉन्ड्स बना रहे हैं, ये अपने अपने आयंस में ब्रेक हो गए, और क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होती है और इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होती है तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और उन्होंने कंपाउंड्स बना लिया। ये जो रिएक्शन है ना, इसका प्रेसिपिटेशन देख सकते हो, AgCl जो है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, जैसे आपने रिएक्शन किया और आपने उसको हिलाया, आपने चेक किया तो आप देखोगे कि आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि आप प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी देख सकते हो, वैसे वही चीज आप इस रिएक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड का एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट से जाके कंबाइन हो रहा है और दूसरा वाला दूसरे से जाके कंबाइन हो रहा है, दूसरा कोई सब्सटेंस बना रहा है, दो कंपाउंड्स बन रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, थर्ड जो फिफ्थ वन जो लास्ट हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई चीज किसी चीज में अगर ऑक्सीजन जाके एडअप हो रही है तो आप उसे बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी चीज में से अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो आप बोलोगे कि ये उसका रिडक्शन हो रहा है। इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, उल्टा हो गया एक दूसरे से, एकदम ऑपोजिट चलता है, जो ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। और अगर मैं हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करूं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट चलते हैं, मतलब इसे ऐसे देख सकते हो कि प्लस ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है और अगर प्लस हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या हाँ तो ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन है, इसे ऐसे देख सकते हो। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज आप देख सकते हो, इसको आप ऐसे टेबल बना के इसको याद कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअली में क्या होता है। वन एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन है क्यूप्रस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, CuO एंड हाइड्रोजन इज गेटिंग कंबाइंड एंड वी आर फॉर्मिंग टू प्रोडक्ट्स, वन इज कॉपर एंड सेकेंड वन इज H2O, उसमें कॉपर बन रहा है एंड वाटर रिमूव हो रहा है। अब वो क्या है, ये ऑक्सीजन इससे हट रहा है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ था पर प्रोडक्ट में ये इसके पास से हट गया, तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके मतलब यहाँ पे क्या होना होगा कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, कॉपर का क्या हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया ना, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हमेशा एक दूसरे के साथ चलती हैं। ठीक है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां रिडक्शन भी जरूर हो रहा होगा और जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा वहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे टूट गया ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देखा है, इसमें हमने ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से देखा, इसमें H2S है जो Cl2 से कंबाइन हो रही है और सल्फर बना रहा है और HCl बन रही है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो,
यहाँ पे हाइड्रोजन एस के साथ था, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन जाके इस क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जो सल्फर है उसका उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये हाइड्रोजन जाके सीएल से कंबाइन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है सीएल में, तो सीएल का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो मतलब ऐसे याद रखोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ये याद रख लो ऑक्सीडेशन होता है, बाकी सब उसके ऑपोजिट चलता है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा। तो फिर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन था तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन। तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। ऐसे आपको एक दूसरे से पूरा कंबाइन करके याद रखना है, सिर्फ एक टर्म भी याद रखोगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है तो बाकी के जो तीन होते हैं ना अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, छोटी सी बात और, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिर्फ इसी के टर्म में नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी होता है और मेटल्स और नॉन मेटल्स के फॉर्म में भी होता है ना। एक छोटे से अपन रिएक्शन देख लेते हैं वैसे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी हमने इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में देखा, एक सिंपल सी रिएक्शन और है कि अगर आप NNO2 को HCl के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, आपने MnO2 को HCl के साथ ट्रीट किया तो ये बनाता है NnCl2 मैंगनीज क्लोराइड। ठीक है, इसमें से क्लोरीन Cl2 एंड H2O भी इसके साथ हो जाता है। ठीक है, क्या क्या बन रहा है, अगर आपने मैंगनीज ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट किया, इसमें मैंगनीज जो है ना ये क्या है, हमारा एक मेटल है। ठीक है, ये क्या बना रहा है, MnO2 था, इसमें से ऑक्सीजन ब्रेक हुआ, ये Cl के साथ जुड़ा, इसने MnCl2 बनाया, और ये जो H, ये जो Cl है इसमें से H ब्रेक हो रहा है, यहाँ से O ब्रेक हो रहा है, यहाँ से H ब्रेक हो रहा है, तो O का ब्रेकेज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन Cl का ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, इसमें यहाँ पे एक और चीज हो रही है, सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही नहीं हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटालिक सब्सटेंस भी तो हो रहा है ना। जब आपका एडिशन ऑफ मेटालिक सब्सटेंस होगा तब आप इसको क्या बोलोगे, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, बट एडिशन ऑफ मेटालिक सब्सटेंस इज रिडक्शन। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अगर आपका नॉन मेटालिक सब्सटेंस एड अप हो रहा है तो आप उसे बोलोगे कि जो चीज हो रही है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और अगर मेटालिक सब्सटेंस आपका एड हो रहा है तो आप उसको बोलोगे कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो मेटल्स नॉन मेटल्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, चार तरीके से हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस को बता सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पे, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम अगर 11th और 12th का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, आई होप आप लोगों को ये 5 types ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आई हो। अगर नहीं आई है, कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया है, तो आप और ज्यादा क्लियरेंस में चाहते हो तो आप मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, पढ़ते रहिए, ये सारी चीजें भी मैंने तो एक 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 रिएक्शन बताई है, लेकिन एक रिएक्शन तो होती नहीं है, आपको 10s and 20s ऑफ रिएक्शन एक एक टाइप की पढ़नी है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में मिल जाएगी, वीडियो का साइज छोटा होता है, एक बार में इतनी सारी रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ बताई हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई रिएक्शन समझनी हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।